Hey guys, welcome back to Fly High Academy. Question number 6 is, 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? Question में बोला है 3 consecutive integers हैं जिनका add करना मतलब plus करने पे 51 आएगा. तो what are these integers? ये integers कौन से होंगे? देखिए, consecutive numbers वो numbers होते हैं जो लगातार आते हैं, जैसे कि 2, 3, 4 जो लगातार आते हैं और जो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, जैसे कि 9, 10, 11. तो ये कौन से नंबर्स होते हैं? ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं. तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं जिनका ऐड करने पे 51 आ रहा है. तो हमें बताना है व्हाट आर दीज इंटीजर्स. लाइक द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी x, second consecutive number b x plus 1, and then third consecutive number b x plus 2. Now, according to question, question में बोला गया है कि जब हम इन तीनों को add करते हैं तो जो हमारा answer है वो आएगा 51. So, x plus 1 plus x plus 2 equals to 51. So x plus x 2x plus x 3x. So here 3x, 1 or 2, 3 equals to 51. Then 3x को हम यहीं रहने देते हैं और 3 को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं. तो जो प्लस का 3 है उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा. Then 3x, 51 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 48. Then x equals to 48 divided by 3. अब हम 3 को 48 से डिवाइड करते हैं. 3 ones are 3, 3 ones are 3, 3 sixes are 18. तो जो हमारा x होगा वो कितना आएगा? 16. और हमने फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या माना था? हेंस फर्स्ट नंबर भी x इक्वल्स टू 16, सेकंड नंबर भी x प्लस 1, सो 16 प्लस 1 इक्वल्स टू 17, एंड थर्ड नंबर भी x प्लस 2, सो 16 प्लस 2 इक्वल्स टू 18. क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888. फाइंड द मल्टीपल्स. क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 कॉन्सिक्यूटिव जो नंबर्स हैं वो 8 के मल्टीपल हैं. 8 के मल्टीपल हैं लाइक 8, 16, 24, 32. और इनका जब हम सम करेंगे तो वो आएगा 888. तो हमें बताना है कि ये मल्टीपल्स कौन से होंगे. सो लेट द 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 बी
x plus 8 x plus 16. Now according to question, क्वेश्चन में बोला गया है अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो जो हमारा सम है वो आएगा 888. सो x plus 8 x plus 16 इक्वल्स टू 888. x इक्वल्स टू 3x. 16 plus 8 equals to 24. Equals to 888. Now, हम 3x को यहीं रहने देते हैं और 24 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं. तो प्लस का 24 माइनस का 24 हो जाएगा. देन 3x 888 में से 24 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 864. देन x इक्वल्स टू 864 डिवाइड बाय 3. 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 2 बचा, 3 एट जा 24, 2 बचा, 3 एट जा 24. सो हमारा x आ गया 288. हमें फाइंड क्या करना था, 8 के मल्टीपल्स. हेंस फर्स्ट मल्टीपल भी 8 था, तो x इक्वल्स टू 288. सेकंड मल्टीपल 8, सो हमारा x कितना आया था 288 प्लस 8 इक्वल्स टू 296. एंड थर्ड मल्टीपल भी 16. सो 288 में जब हम 16 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 304. सो हेंस द फर्स्ट मल्टीपल इज 288. सेकेंड मल्टीपल इज 296 एंड थर्ड मल्टीपल इज 304. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. Question में कहा गया है कि 3 consecutive integers हैं और वो increasing order में हैं और जब हम उनको multiply करेंगे 2, 3 and 4 से तो जो उनका add होगा वो होगा 74. तो हमें बताना है कि ये numbers कौन से हैं. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो लगातार होते हैं. सो लेट द फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी 2nd consecutive number
बी एक्स प्लस वन एंड थर्ड कॉन्सिक्यूटिव नंबर बी एक्स प्लस टू. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में बोला गया है कि जो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर है उसको आपको टू से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले को आपको थ्री से मल्टीप्लाई करना है एंड जो थर्ड वाला है उसको आपको फोर से मल्टीप्लाई करना है. और इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 74. इन तीनों को ऐड करने पे आएगा 74. अब हम सॉल्व करते हैं. 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं 3 का x में इंटू 3x, 3 का 1 में इंटू 3, 4 का x में इंटू 4, 4 का 2 में इंटू 4 टू जा 8 इक्वल्स टू 74. 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 5x प्लस 4x इक्वल्स टू 9x प्लस 803 11 इक्वल्स टू 74. x को हम यहीं रहने देते हैं, 11 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं तो प्लस का 11 उधर जाके माइनस का 11 हो जाएगा. देन 9x 74 में से 11 जाएंगे तो 63 बचेंगे. देन x इक्वल्स टू 63 डिवाइड बाय 9, 9 वन जा 9, 9 सेवन जा 63. तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो होगी 7, x इक्वल्स टू 7. हैंस फर्स्ट इंटीजर बी सेवन, सेकेंड इंटीजर बी 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8 एंड थर्ड इंटीजर बी 7 प्लस 2 इक्वल्स टू 9. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? क्वेश्चन में बोला गया है जो राहुल और हरुण हैं, उनकी जो एज है वो रेशो में है. क्या है? 5:7. 4 years later, 4 साल बाद इन दोनों की एज का सम जो है वो 56 years होगा. तो हमें बताना है कि प्रेजेंट एज क्या है. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर 5x एंड 7x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
चार साल बाद, सो 5x प्लस 4 7x प्लस 4, इन दोनों की एज का सम, सम मतलब प्लस, कितना हो जाएगा 56। अब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 5x और 7x हो जाएगा 12x, 4 और 4 8 इक्वल्स टू 56। 12x को हम यहीं रहने देते हैं, 8 को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा। 12x, 56 में से 8 को माइनस करेंगे तो 48, सो x इक्वल्स टू 48 अपॉन 12, 12 वन जा 12, 12 फोर जा 48, तो हमारा जो x होगा वो कितना आ जाएगा 4। अब हम प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं राहुल और हरुण की, तो हमने एज को क्या माना था, हमने प्रेजेंट एज को क्या माना था 5x, सो 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20 ईयर्स। ये राहुल की प्रेजेंट एज थी। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ हरुण, सेवन एक्स, सो 7 इंटू 4 इक्वल्स टू 28 ईयर्स। Hence the present age of Rahul is 20 years and Harun is 28 years. Now coming to next question. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? क्वेश्चन में बोला गया है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास में 5:7 के रेशियो में है, और जो नंबर ऑफ बॉयज है वो गर्ल्स से 8 मोर देन है, मोर देन है मतलब ज्यादा है, सो वॉट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, तो हमें बताना है क्लास की स्ट्रेंथ क्या होगी। Let the numbers of girls be 8, then number of boys क्या होंगे, 8 क्योंकि वो गर्ल्स से 8 ज्यादा थे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बॉयज और गर्ल्स का रेशियो था 7:5, सो एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 7/5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो हेयर 5x प्लस 8 इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 5 का x में इंटू 5x, 5 का 8 में इंटू 5 8 40, और यहां आएगा 7x। नाउ 40 को हम यहीं रहने देते हैं और 5x को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो प्लस का 5 वहां जाके माइनस का 5 हो जाएगा। नाउ 40, 7x में से 5x जाएंगे तो 2x, देन x इक्वल्स टू 40 अपॉन 2।
टू, सो टू वन जो टू, टू टू जो फोर, जीरो का जीरो, तो हमारी x की जो वैल्यू होगी वो होगी 20. हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को x माना था, सो हैंस नंबर ऑफ गर्ल्स भी 20 एंड नंबर ऑफ बॉयज भी 8, सो 20 + 8 = 28. तो हमारे जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी वो 20 होंगी और जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे वो 28 होंगे. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.